इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी स्मार्ट वॉच से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपनी वॉच के अंदर, जहां पर हम दोस्तों अपनी वॉच से ही किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, उसमें अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर हम अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल घर पर कहीं पर भी रखा है तो हम अपनी स्मार्ट वॉच से ही उसको ढूंढ लेंगे कि वो कहां पर है, उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारे फीचर दोस्तों जब आप अपने स्मार्ट वॉच को और मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं, ये फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो कैसे आपको इनका यूज़ करना है के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो है स्मार्ट वॉच ओपन करनी है और एक एप्लीकेशन यानी कि एक फीचर देखना है, QR कोड स्कैन इस तरह के नाम से होगा। तो सबसे आप जो मेन्यू वाला ऑप्शन है उसमें देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता उसके बाद आप मोर वाले ऑप्शन पर देख सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप चेक कीजिएगा सेटिंग वाले ऑप्शन पर, वहाँ पर मिल जाएगा आपको QR कोड इस तरह का। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे जिससे आप अपने मोबाइल से किसी भी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये QR कोड सभी स्मार्ट वॉच में होता है। तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल पर जो है गूगल लेंस जो है ओपन कर लेंगे। सिंपल आपको इस तरीके से ओपन करना है गूगल लेंस। तो यहाँ पर इसको सर्च पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैमरे के सामने हम दोस्तों ये QR कोड ले आएंगे और यहाँ पर थोड़ी देर इसको जो है स्कैन होने देते हैं ताकि ये स्कैन कर ले अच्छी तरीके से ये कौन सी एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करनी है। तो स्कैन जैसे हम कर लेंगे यहाँ पर स्कैन का सर्च का ऑप्शन आ जाता है नीचे, हम सर्च पर क्लिक कर देंगे और थोड़ा वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये एप्लीकेशन भी बता देता है। तो वेबसाइट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन हो चुका है, देख सकते हैं हवा फिट। तो ये एक एप्लीकेशन है जिससे हम अपने मोबाइल से यह स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले से ही मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है और इसने वही एप्लीकेशन बताई जो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्री पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर देंगे अपने मोबाइल का। जैसे ही ऑन कर देंगे यहाँ पर परमिशन ऑन कर देंगे, जैसे यहाँ ब्लूटूथ ओपन हो जाएगा फिर आपको एक अकाउंट बनाना है। आप गूगल से भी बना सकते हैं, फेसबुक आईडी से भी। तो चलिए हम गूगल से बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल यहाँ पर ये जो दो एग्रीमेंट है इसके पर जो है टिक कर दीजिए और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका एक अकाउंट बन जाएगा स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिए, यानी कि आपके मोबाइल पर जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, व्हाट्सअप की हो, मैसेज की हो या फेसबुक की हो, किसी भी एप्लीकेशन की हो, वो आपकी स्मार्ट वॉच पर दिखाई देगी कि क्या नोटिफिकेशन आई है। तो अलाउ पर हम क्लिक कर देंगे, जो भी हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद वो हमारे स्मार्ट वॉच पर भी दिखाई देगी। तो चलिए हम इसकी परमिशन को ऑन कर देंगे, अलाउ पर क्लिक कर देंगे, और जो भी कॉल आएगी दोस्तों वो हमारी तभी स्मार्ट वॉच में सुनाई देगी। तो बैक आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि सब पे परमिशन ऑन हो चुकी है, उसके बाद ओनली दिस पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह की ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप, स्टेप। तो ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको पता लगती रहेगी, आपकी स्मार्ट वॉच में भी लगती रहेगी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर आप वर्कआउट का मोड देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ है दोस्तों सेटिंग का मोड जहाँ से आप अपनी वॉच का जो है फेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई सा भी फेस चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो भी लगा सकता हूँ अपनी वॉच के अंदर। तो देख सक रहे होंगे अभी ये वाला जो है फेस लग रहा है मेरी वॉच के अंदर, और इनमें से मैं कोई सा भी लगा सकता हूँ जो अभी आप नीचे देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं ग्रीन वाला लगाऊंगा तो यूज़ पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा देख सकते हैं एकदम से ये वाला लग जाएगा, या फिर मैं आपको कोई दूसरा लगा के दिखाऊँ, ये दोबारा से यही लगा के दिखाऊँ तो देख सकते हैं। तो कोई सा भी यहाँ पर आप दोस्तों वॉच फेस लगा सकते हैं और अलग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कस्टम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक गैलरी वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, जौन सा फ़ोटो आपको लगाना है लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दोस्तों आप इसमें कॉल का फीचर इनेबल कर सकते हैं या फिर फाइंड माय डिवाइस। तो फाइंड फ़ोन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप अपना फ़ोन को पता लगा सकते हैं कि अभी आपका फ़ोन कहाँ पर है, चाहे आपका फ़ोन घर पर कहीं पर भी रखा हो। बस ये कनेक्ट होनी चाहिए स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह की ट्विन आपको सुनाई देगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और हमारा स्मार्ट वॉच कहाँ है, हमारा स्मार्टफोन कहाँ है। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया फीचर है, ये सभी स्मार्ट वॉच के अंदर जो है लगभग होता है जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाली होती है। तो इस तरीके से आप इससे पता लग सकते हैं कि फाइंड फोन वाले फीचर से। उसके बाद आप इसमें कॉल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों फ़ोन का ऑप्शन दिया गया है, फ़ोन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे
कीपैड, कॉन्टैक्ट और रिसेंट कॉल ये ऑप्शन मिलेगा। तो कीपैड पर सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर नंबर टाइप कर देंगे जिस पर मुझे कॉल लगानी है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों नंबर टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कॉल का सबसे कॉर्नर में नीचे की तरफ बटन दिया गया है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक कॉल खुद ब खुद लग जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कॉल जा रही है और मैं वो वाला मोबाइल भी दिखाता हूँ आपको जहाँ जिस मोबाइल पर नंबर पर भी मैंने कॉल लगाई है। तो साइड में दोस्तों देख रहे हैं कॉल यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर अगर मैं इसको रिसीव करूँगा तो यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिसीव हो चुकी है कॉल और यहीं से ही मैं इसको अलग कॉल भी लगा सकता हूँ, अलग नंबर पर भी लगा सकता हूँ। और मैं अगर इसको कॉल को काट दूँगा तो देखिए यहाँ इस स्मार्ट वॉच से भी ये कॉल कट जाएगी। तो चलिए मैं इस कॉल को काट देता हूँ। तो देख सकते हैं डिसकनेक्ट हो चुकी है कॉल और यहाँ से भी डिसकनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप बाइक पे है या किसी कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं तो आप अपनी स्मार्ट वॉच से किसी को भी कॉल लगा सकते हैं या उस कॉल को अटेंड भी कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताना। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।